नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत कर। श्री सार्वजनिक गजानन गणेश उत्सव समिति जहांगीराबाद अहिरपुरा स्टेट बैंक कॉलोनी द्वारा भोपाल के इतिहास में पहली बार 35 फुट लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। आगामी नवरात्रि के त्यौहार पर भोपाल वासियों के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। यहाँ मौजूद समिति के लोगों द्वारा बताया गया है कि लगभग 3 माह पूर्व से ही इस मूर्ति को बनाया गया है। अनुभवी कारागिरों द्वारा ये भोपाल में पहली ऐसी झांकी रहेगी जिसकी लंबाई 35 फीट होगी। जी, जो ये एक विशाल मूर्ति बनाई जा रही है, और क्या उद्देश्य इसको बनाने का और कितने सालों से ये काम आप कर रहे हैं? श्री सार्वजनिक गजानन गणेश दुर्गा उत्सव समिति अहिरपुरा स्टेट बैंक कॉलोनी जहांगीराबाद 2 अक्टूबर भव्य आगमन लिलीटा के चौराहे से प्रारंभ होगा। ये मूर्ति अहिरपुरा स्टेट बैंक कॉलोनी जहांगीराबाद में विराजमान होने जा रही है, जिसकी चौड़ाई 35 फीट है। कितने समय लग चुका है ये मूर्ति, आगे कितना समय लगने वाला है इसकी तैयारी? ये मूर्ति करीब 3 महीने पहले से बन रही है। ये सुरजीत यादव मूर्तिकार हैं, भाई हैं अपने, उनके द्वारा ये मूर्ति बनाई जा रही है। उन्हीं के पंडाल पर आज अपन खड़े हुए हैं। क्या सोच थी जितनी बड़ी आपने? ये भोपाल में प्रथम बार इतनी बड़ी प्रतिमा का आगमन होने जा रहा है। अभी तक भोपाल में 33 फीट चौड़ी मूर्ति नहीं बैठी है। ये माँ जगत जननी माता रानी का आशीर्वाद है कि इस बार भोपाल में इतनी विशाल प्रतिमा विराजमान होने जा रही है माता रानी की। सभी साथी आमंत्रित हैं। तो हर साल आप इसी तरीके की बड़ी नहीं, 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 नहीं इतनी बड़ी प्रतिमा तो नहीं बन पाते। थोड़ा इसकी प्रतिमा रहती थी, लेकिन इस बार माता रानी का आशीर्वाद है जो 33 फीट चौड़ी विराजमान होने जा रही है। समिति ने इस बार तय किया था कि इतनी बड़े स्तर पर जाकर आप? हाँ, ये तो सभी साथियों का सहयोग है। अपनी समिति का नाम? श्री सार्वजनिक गजानन गणेश दुर्गा उत्सव समिति अहिरपुरा स्टेट बैंक कॉलोनी जहांगीराबाद।